सुरक्षित कुमार परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिए हुए अवसर के लिए मैं सुरक्षित कुमार परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज हम एक बात रसूल पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री के जरिए हमारे कलीसिया को दिया हुआ कुछ बातें उसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय उसका 22 अध्याय 21 और 22 अध्याय पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय 21 और 22 आयतें। मुझ पौलुस का अपने हाथों का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु आप। मेरा पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ सलाम। जे कोई प्रभु नाल प्रीत नहीं रखता ता वह शापित हो गए। हे साडे प्रभु आप। परमेश्वर के दास रसूल पौलुस के जरिए कुरिन्थियों कलीसिया के लिए लिखा गया एक पत्र है ये पहला कुरिन्थी। तो पहला कुरिन्थी इस पत्र रसूल पौलुस ने अपनी 21 आयत पढ़ने के वक्त में एक बात ऐसे लिखा है मैंने हाथ से लिखा हुआ। इसका मतलब जो पहले लिख रहे हैं रसूल पौलुस को पवित्र आत्मा के प्रेरणा हुआ। पवित्र आत्मा के प्रेरणा होने की वजह से रसूल पौलुस ने और किसी से लिखवा रहे हैं। दो लोग के लिए पत्र लिखने के लिए रसूल पौलुस को मदद किया है तो मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूं। मैं उसका अहम बात के बारे में मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रकाश हमारे ऊपर आने के लिए प्रार्थना पूर्वक मैं भी परमेश्वर के चरणों में हूँ। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए हमारा जीवन को परखने के लिए हमारे जीवन के हर एक बातों को आत्मा के जरिए कंट्रोल करने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठे हैं। उसका 21 और 22 एक और बार पढ़ लीजिए। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम रखे तो वह शपित हो। है हमारे प्रभु आप। बस पढ़ने के वक्त में जो मेन बात नहीं छोड़ना। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो पहले पढ़ा देखे ऐसा नहीं है। प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित है। पर परमेश्वर को प्रेम रखना इस संसार को प्रेम रखना ये दो बातें उधर आ रहा है। दोस्तों पौलुस बोलता है यदि परमेश्वर को जो प्रेम नहीं करता है वो श्रापित है। परमेश्वर के दास रसूल पौलुस ने अपना पहला पत्र लिखकर लास्ट में एक श्राप वाक्य के साथ एक शब्द के साथ समाप्त कर रहे हैं। तो समाप्त करने के पहले एक और शब्द भी उधर लिखा है प्रभु Yeah.
को तो ऐसा पालन करना, हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, किस चीज को हम प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं। देखो पहला योहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 17 आयत, हमने ये पढ़ा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो दुनिया कितनी में पढ़ना जी सार उसकी भी लाश हो, दोनों मिलते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा तो अनंत जीवन पाएगा, उसके ऊपर मौत का सजा नहीं है। किसको रिकॉर्ड कर कोई पढ़े संसार उसके अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, संसार और उसके अभिलाषे। संसार के अभिलाषे क्या होते हैं? संसार का अभिलाषा ये है, मैं पैसा कमाना, मैं नाम कमाना, मैं धनी होना, मैं सुंदर होना, मेरे पास जो लोग ऐसा होना चाहिए वो खूबी उसके पास ही है, वो चीज उसके पास भी है, लोग मुझे आदर करे, लोग मुझको कुर्सी दे, लोग मेरे नाम लेकर जय जय का करे, लोग मुझे मैं कहीं भी जाओ लोग मुझे आदर करे। संसार में ये है, पैसा क्यों कमाते हैं, धनी होना, लोगों के सामने मैं धनी हूं वो दिखाने के लिए। इधर परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रीति से इधर लिखा है 17, देखो रो पढ़ना जी, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटाए जाते हैं, संसार भी मिट जाएगा। एक देखो एक गहराई की बातें दोस्तों, योहन्ना ने एक गहराई की बातें उधर बोल रहे हैं, दो की 17 हम पढ़ने को उधर लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। एक बात पौलुस ने बोला, पत्रोस ने बोला, योहन्ना ने बोला, ये संसार हमेशा के लिए नहीं। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में ये आग से ये इसको हालेलुया शुद्धिकरण हो जाएगा, आग से इस धरती को आग से शुद्धिकरण हो जाएगा। हम डरने की बात नहीं है, जो पवित्र है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं, हम हालेलुया परमेश्वर के साथ होंगे, परमेश्वर इसको शुद्ध करेगा, आग से इस धरती को शुद्ध करेगा, नया आकाश नया धरती में हम आएंगे। जो संत लोग हैं, जो इस दुनिया के संत के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, पवित्र आत्मा के जरिए चलता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आगे बढ़ता है, वचन को पालन करता है, उन लोगों को परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर को कबूल किए हुए व्यक्ति के बारे में बोलता है संत। हालेलुया, संत कहा जाता है। इधर देख लो, दुनिया भी मिट जाएगा, धरती भी मिट जाएगा, और उसकी अभिलाषा अभिलाषा भी मिट जाएगा, दोनों मिट जाएगा। हालेलुया, और क्या रहेगा? पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर, उधर तीन बातें योहन्ना ने हमसे बताने के लिए चाहता है, दो बातें हमें समझाने के लिए चाहता है, क्या है? आप ये मेरा है, ये सारे मेरे है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। योहन्ना ने बोला है, जो तुम मेरा बोला ना वो मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा का मतलब क्या है? नष्ट हो जाएगा, बाफ ऊपर गया, मिट गया, उसका पता नहीं चल रहा है। ब्लैक बोर्ड में जो बच्चों से हम पूछे तो स्कूल में जब पढ़ाते हैं, स्कूल में ब्लैक बोर्ड में या व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं, लिखने के बाद हालेलुया थोड़े समय के बाद टीचर ने और कुछ लिखना है, डस्टर बोलते हैं, डस्टर से मिटाते हैं। हालेलुया, हमने जो जब कुछ लिखते हैं पेंसिल से, रबड़ से, इरेजर से, हालेलुया उसको मिटाते हैं, उसके निशान भी। हालेलुया,
हालेलुया, उसके निशान भी नहीं है। जो धरती है, जो हम आज देखते हैं, ये दरख्त है, ये जानवर है, सब कुछ पक्षियां है, इतना खूबसूरत है, हालेलुया, इतना सुंदर है। इस धरती के बारे में रसूल पतरस ने यूहन्ना ने बोला है क्या हो जाएगा, परमेश्वर के दर्शन पाने के पहले, मतलब प्रकाशित वाक्य लिखने के पहले यूहन्ना ने ये लिखा है। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ प्रकाश की पुस्तक पढ़ने के वक्त में क्लियर पवित्र आत्मा ने हालेलुया सब कुछ उधर लिखा गया है। ओके, मैं मेरे विषय मेरे सब्जेक्ट में मैं वापस आ जाता हूँ। एक इस पृथ्वी और उसके अभिलाषे है मन की अभिलाषा, हालेलुया सारे अभिलाषे मिट जाएगा। ये जो ये अभिलाषे क्या है, 16 पढ़ना, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो कुछ संसार में, पर हमने पढ़ा ना संसार की अभिलाषा है क्या है, वो 16 में लिखा है, पढ़ो जी। क्योंकि सब कुछ जो संसार में है अर्थात शरीर की कामना अते नेत्रा की कामना अते जीवन का अभिमान सो पिता तो नहीं सगो संसार तो है। ये बात है आंखों की अभिलाषा, हिंदी में पढ़ना, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, शरीर की अभिलाषा खाना, मैं मतलब गलत दीदी में मेरे शरीर को मैं कुछ कर दो, गलत संगति करूं, मैं विचार करूं, शरीर की अभिलाषा। कुछ लोग ऐसे गंदे आत्मा पकड़ा हुआ है, अपने शरीर को दूसरे को दिखाने के लालच है, ऐसे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग मुझे देखे। प्रयासों ऐसे जो लोग करते हैं वो पाप करते हैं, वो शैतान का बहुत अच्छा हथियार है, क्योंकि पाप यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है शैतान पाप करवा दे, वो झूठ है, झूठ का झूठ, वो चोर है और झूठ बोलने वाला था पाप है। तो हमारे शरीर, हमारे वस्त्र, हमारे कपड़ा योग के रीति में ना पहनना, हमें देखकर यदि कोई पाप कर रहा है उसके मतलब शैतान का हथियार बन गया, शैतान का मैसेंजर हो गया हम, शैतान का एजेंट हो गया हम, क्योंकि मुझे देखो शैतान का कुछ कर, मुझे देखो शैतान के वश में चल जाओ। मेरे आंसू परमेश्वर के वचन में लिखा है शरीर की अभिलाषा, इस दुनिया में क्या है वो मेरा, इसको मेरे चाहिए, ये है वो है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। कितना मिले तभी तृप्त नहीं है, पैसा देख के तभी तृप्त नहीं है, कपड़ा देख के तभी तृप्त नहीं है, और काम करे तो तृप्त नहीं है, और चाहिए गलत रीति में देखने के लिए लालच है, आंखें गलत देखने के लिए लालच में जा रहा है, और जीविका का घमंड। मेरे पास सब कुछ है, प्रार्थना क्यों करना, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा चाचा है वो बंदा, मेरा ताया है वो MLA, मेरा वो है ये जीवन घमंड। परमेश्वर बोल रहा है ये जो जड़ है, जड़ कहां से आता है, वो पिता की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि हाँ मैं और आप परमेश्वर का है तो ये बात हमसे होगी, क्योंकि हम अप्पा पिता को हलाने के लिए पुत्र का आत्मा को हम प्राप्त किया है। हालेलुया हम अप्पा पिता का हलाने के लिए पुत्र का आत्मा को हम पाना है, उस पुत्र का आत्मा है तो बाप का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया आप सारे इधर ही है, पुत्र का आत्मा को हम पा रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है
उससे भी बढ़िया जिसे करते हो, मैं भी, मेरा नाम भी, हालेलुया, उधर आना, इधर आना, वो पुस्तकों में आना, ये पैसों में आना, इधर आना, उधर आना, उसके पास बहुत पैसा है, मैं भी कमाना, मैं भी कमाना, उससे भी ज्यादा धनी होना है, कोई भी काम है कोई बात नहीं, मैं धनी बनना, धनी होना, धनी होना, धनी होना, धनी होना, और इधर मैं देखूंगा मेरे इधर काला है वो तो गोरा है, नहीं मैं तो सुंदर होना, सुंदर होना, सुंदर होना, फिर आंसू ये कहां से आ रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या बोला, ये कहां से आ रहा है? ये संसार की ओर से, ये संसार की ओर से है। परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने वाला प्रभु को प्यार करेगा, हालेलुया, प्रभु को प्रेम करेगा, प्रभु के वचन के आधार पर चलेगा, उसका हालेलुया, खाना मिले ना मिले, उसका कपड़ा मिले ना मिले, प्रभु तुमसे दूर नहीं होना, मैं तुमसे दूर नहीं होना, प्रभु जी मेरे बोली से, मेरे सोच से, मेरे हालेलुया देने लेने से कुछ कमी तो नहीं हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के ओर से हम होना, परमेश्वर को प्रेम करने वाला होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एक प्रांत में दो जगह है, हालेलुया, यदि आप के प्रेम, हालेलुया, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है हमेशा नीचे आना है, दुनिया की प्रेम वो नीचे आए तो फेल हो गया, विश्वास की जीवन में फेल हो गया, क्योंकि त्राज में जो नीचे आते हैं उसको हम वैल्यू समझ लेते हैं, उसको ज्यादा समझ लेते हैं, सही है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसलिए परमेश्वर के वचन हम कुरिंथ में जाने को बिगड़ वापस आएंगे, कुरिंथ में जाकर कुरिंथियों की पत्री हम पढ़ने को अंदर लिखा रहे हैं, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है, संसार की अभिलाषा में जो लोग चलते हैं वो श्रापित है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में ये कभी नहीं लिखा है श्रापित लोगों के लिए परमेश्वर आ रहा है, कभी नहीं लिखा, अपने लिए, हालेलुया, जो बातों से रहते हैं उनको लेने के लिए प्रभु बादलों में आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो बादलों में आ रहा है, संसार की अभिलाषा में हम डूबने के नहीं है, संसार में हम मर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी हम संसार की अभिलाषा की ओर जा रहे हैं, इसके मतलब आपके अंदर के जो इस दुनिया की जो इंसान है ना वो मरा नहीं, हालेलुया, इस दुनिया के इंसान मरा नहीं, इसलिए आप दुनिया जो संसार की अभिलाषा की ओर जा रहे हो, संसार की अभिलाषा आपको बुलाने के पक्ष में है, आप बोला मैं परमेश्वर को बचाऊं, मैं परमेश्वर को बचाऊं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ ये है, मैं करने नहीं है, मैं देखने नहीं है, मैं बोलने नहीं है, मैं बैठने नहीं है, मैं चलने नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के ओर से, हालेलुया, और 16 क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है आगे, जो परमेश्वर के इच्छा को पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, आप क्या करना, संसार और उसके अभिलाषा के साथ मिट जाना है या हमेशा, हमेशा क्या सर्वदा बना रहना चाहिए। हमने गीत गाया, हालेलुया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए, हम व्यक्तिगत रूप में ये बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मरा है, आप मेरे लिए मरा है, मेरे पापों के लिए, श्रापों के लिए, मेरे बीमारियों के लिए आप मरा है, तेरे लहू के जरिए मैं मुक्ति पाया, तेरे लहू के जरिए मैं मुक्ति पाया हूं, उस मुक्ति पाने वाले व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाए तो, परमेश्वर को प्यार दे ना रखे तो, संसार की अभिलाषा के पीछे जाए तो, हालेलुया, हालेलुया, हम नया नेम का पन्ना एक एक हम यदि सही ढंग से पढ़े तो पुराने जमाने में एक एक पन्ना में कई भक्तों का खून का निशान होता है, क्योंकि जो मसीह कलीसिया ऐसे उगा हुआ है,
ऐसे बड़ा हुआ एक हालेलुया एक कलीसिया है मसीह कलीसिया, क्योंकि हालेलुया जो लोग मैं मसीह कहकर बोले तो उसको मार देते थे, हालेलुया उसके खत्म ही कर देते हैं, हालेलुया लोग बहुत खुश हो जाते थे, हालेलुया उसके बारे में हम यदि पौलुस से पूछे तो पौलुस बोलेगा हालेलुया। इसके बीच में झारखंड में एक बात हुआ भाई, बहुत पास्टरों को मार रहा है, पीट रहा है, चर्च को जला रहा है, उन्होंने सोच रहा है हम सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, हालेलुया कुछ नहीं हुआ, जितना सताएंगे उतना बढ़ेगा, मसीहों को यही होता है, हालेलुया। ब्रिटेन का राजा रानी, ब्रिटेन का रानी एक बार ऐसा बोले, मैंने इस पुराना किताब है बाइबल के बारे में, उसने बोले ये पुराना किताब है उसको इस दुनिया से मिटा दूंगा, ये पुराना किताब को क्या करूंगा इस दुनिया से मैं मिटाऊंगा, हालेलुया। वैसे सुनो आप लोगों को पता है आज दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल प्रिंटिंग होता है हालेलुया इंग्लैंड में है, हालेलुया इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी, हालेलुया इंग्लैंड, हालेलुया इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी, हालेलुया राजा तो मर गया, हालेलुया इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी ने उस महल को खरीद लिया, उधर हालेलुया छाप रहा है बाइबल, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल हालेलुया उधर प्रिंटिंग हो रहा है, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के खिलाफ है हालेलुया धूल जैसे उठाएगा, उन्होंने सोचना और ये हमने वो किया कि कुछ नहीं हुआ, हालेलुया जस्ट पवित्र लोग है, हालेलुया मर रहा है पीठ में है कुछ नहीं है, हालेलुया जितना पीटा उन्होंने सहेगा उतना आनंद स्वर्ग में जाकर, हालेलुया कितना संत को उन्होंने मारा है, हालेलुया परमेश्वर ने जल्दी जल्दी बुलाया बस तुम्हारा सेवा खत्म हो गया चलो उसके लिए कुछ मैं कहा जिसने तुम्हें सजा। और पिछले बार पिछले दिनों में आपने वीडियो देखा होगा झारखंड छत्तीसगढ़ रुड़की में एक बात हुआ, एक जनानी ने एक पास्टर को थप्पड़ दे रही है, पास्टर के खिलाफ बहुत कुछ बोल रही है, मसीहत उधर आपको देख सकता है, उस पास्टर ने एक शब्द भी नहीं बोला, हालेलुया ये है मसीहत, उसने बोला फेल हो गया, हमने बोला हम पास हो गया, दुनिया बोलेगा हम फेल हो गया, हालेलुया हम बोलते हैं हम पास हो गया, क्योंकि दुनिया कुछ भी करे कुछ नहीं होता है, कितना थप्पड़ मिले गालियां मिले हालेलुया हमारे लिए प्रतिफल स्वर्ग में बढ़ा है, आमेन हालेलुया। ये आज की बात नहीं है, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय 38 आय 11 का 38 ਜਾੜਾ ਤੇ ਪਹਾੜਾ ਤੇ ਗੁਫਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਪਏ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਸੱਭੇ ਪਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में पथराव किए गए और चीरे गए उनकी परीक्षा की गई तलवार जो मसीह कलीसिया है शताब्दी के बीच में से बड़ा हुआ कलीसिया है शताब्दी के बीच में खून से उगा हुआ एक मार्ग है मसीह कलीसिया हालेलुया आज लोग बोलते हैं आपको आशीष मिलेगा बरकत मिलेगा वो मिलेगा ये मिलेगा इसके बीच में मैं किससे बात कर रहा था उस व्यक्ति ने मुझसे बोला मतलब एक नहीं है दो तीन लोग दो लोगों से जरूर मैं इस सेम चैप सेम सब्जेक्ट के बारे में बात किया उन्होंने बोला पास्टर जी बापतिस्मा जो देते हैं जो लोग विश्वास करते हैं उनको बापतिस्मा देने के लिए बाइबल में लिखा है जरूर लिखा है बारह शताब्दी में जो लोग प्रभु यीशु मसीह का कबूल किया है तुरंत बपतिस्मा देते थे आज फिर क्यों नहीं क्यों आज ऐसे क्यों नहीं देते हैं आप 27 से पढ़ना सॉरी 37 से पथराव किए गए और चीरे गए उनकी परीक्षा पथराव किए गए
आप कितने बपतिस्मा ना लिए हुए लोग या बपतिस्मा लिए हुए लोग, यदि मानो आप नया विश्वास में आ गया, लोगों ने आपके पीछे पीछे पथरा कर रहे हैं, आप बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाएंगे? कितने लोग बोलेंगे तुम्हें बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाऊंगा? आगे पर आरी से चीरे गए, आरी से चीरे गए, आरी से, एक छोटी बात नहीं है, आरी से चीरना एक छोटी बात नहीं है। हमारे केरला में है, केरला में ऐसे मतलब पहले मेरा बचपन में ऐसे करते थे, मतलब जो नारियल के पेड़ को काटते थे, नारियल का पेड़ को काट कर उन्होंने जो लकड़ी बनाने के लिए एक ढांचा जैसे चाप लगाते हैं, एक बंदा को थोड़ा सा इतना इतना तक का ऊंचाई में उसको बना देते हैं। बनाने के बाद जो लकड़ी चीरना है उस लकड़ी को इसके ऊपर लेकर आते हैं, लेकर आने के बाद नीचे एक व्यक्ति, ये टांचे के ऊपर एक व्यक्ति, ऐसे उन्होंने एक बहुत लंबा मतलब 12 होगा शायद, उतना बड़ा आनी है जो ब्लेड, उसको ऊपर से नीचे करेगा, ऊपर से नीचे करेगा, उसमें नीचे वाला ने नीचे खींचेगा, फिर ये ऊपर खींचने का नीचे वाला ने ऊपर की ओर थकेगा, ऐसे करते 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 उसको छीर लेते हैं। आजकल मशीन है, आपने देखा होगा कितना लोगों को मशीन देखा, लकड़ का काम करने वाले भी इधर बैठे हैं। जब हम लकड़ को चीरते हैं क्या आते हैं? बुरा आते हैं ना। एक इंसान को काटे तो क्या आता है? कुंठिता, पल पल में, पल पल में काट 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 कर। हालेलुया, उन्होंने वो दर्द सहा क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम किया। हालेलुया, ये नहीं है एक बार ऐसे देख लिया चर्च में नहीं आना, कुछ बोला चर्च ही छोड़ दिया, चर्च में आए मेरे मासी ने बोल दिया, मेरे चाची ने बोल दिया, मेरे चाची ने बोल दिया, मेरे डैडी ने बोल दिया, मेरे फ्रेंड्स ने बोल दिया। पीठा क्या होता है, परीक्षा क्या होता है, विश्वास क्या होता है? आगे बढ़ लीजिए। और परीक्षा की गई, परीक्षा की गई, जीवन की कई परीक्षाएं, परपेचुअल नामक एक स्त्री के बारे में हिस्ट्री में लिखा है, मसीही इतिहास में वेद क्रिश्चियन हिस्ट्री में ऐसे लिखा है, परपेचुअल नामक एक स्त्री है, स्त्री पूर्ण गर्भवती थी, प्रेग्नेंट में मतलब आज या कल उसका डिलीवरी हो जाएगा, उसको पकड़ लिया, वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली स्त्री थी, उसके हस्बैंड के साथ उनको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद हस्बैंड से पूछा, देखो प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर तो इसको मैं हम छोड़ देंगे। उन्होंने परपेचुअल ने बोला कभी नहीं, हम स्वर्ग में जाना है। हस्बैंड ने बोला मैं प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मेरी पत्नी चली जाए कोई बात नहीं, मैं मेरे प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ करने वाला है। उसको काट दिया, तलवार से काट कर खत्म किया, परपेचुअल के पास जाकर बोला देखो तुम्हारे अंदर एक पूर्ण जन्म हुआ बच्चा है, इस बच्चा के बारे में सोचो, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करो। उसने बोला कभी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए स्वर्ग में आएगा, बादलों में आएगा, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं मेरा जीवन देने के लिए तैयार है। उन्होंने एकदम पेट में काट दिया, बच्चा बाहर आ गया। ये परीक्षा है, ये नहीं है नहुम में थोड़ा सा मतलब क्या कर पत्थर में लग गया, परमेश्वर के लिए मैं बड़ा दुख सहा क्या है, वो ध्यान नहीं दिया, और इधर उधर सोचकर दुनियादारी सोचकर चला गया और पत्थर लग गया, बस उसमें क्या होता है? परीक्षा है, परीक्षा है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परीक्षा में सन लेते हैं उसको जीवन की मुकुट मिलता है। हालेलुया, जीवन की मुकुट मिलता है, परीक्षा के समय में प्रभु साथ रहता है। आगे तलवार से
घर में जाकर मेरे लिए आपने ये अध्याय पढ़ना है, 11 अध्याय। मैं कई बार आप लोगों से बोला 11 अध्याय पढ़े तो ना, एक मसीही जीवन क्या है, इस दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है। प्रभु के प्रेम से रसूल पौलुस ने हालेलुया रोमियों की पत्री में बोला, प्रभु के प्रेम से मुझे कौन सी ऐसा चीज मुझे अलग करेगा। हालेलुया, जो परमेश्वर को जो प्रेम नहीं करता है वो श्रामित है। हालेलुया, कष्ट आए, दुख आए, क्लेश आए, जो कुछ भी आए, परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। हालेलुया, हम क्या करते हैं, हम संसार के ओर, हालेलुया, संसार के ओर जाते हैं, संसार के ओर नहीं है, प्रभु के ओर जाना, प्रभु के ओर चलना। हालेलुया, देखो उसका 11 का 38 पढ़ना, और पहाड़ों और गांव में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। आमेन। क्यों मिले ये सहा, उन्होंने सहने के काम है, दुख क्यों सहा, परीक्षा को क्यों सहा, आली से काटने के लिए क्यों दिया, तालाब से काटने के लिए क्यों दिया, अपने आप परमेश्वर के विश्वास में उन्होंने क्यों मिला, क्योंकि उनको पता है संसार संसार उनके योग्य नहीं है। फिर सुनो, एक सच्चे भक्त व्यक्ति के लिए संसार योग्य नहीं है। संसार बोलेगा हालेलुया तुम पाप करो, तुम गलत करो, संसार साथ देते हैं, पाप करने के लिए साथ देते हैं। यदि मान लीजिए परमेश्वर के बारे में या भलाई के बारे में किसी से बात करो, उन्होंने आपका मजाक करेगा। यदि आप गलत करने के बारे में, व्यभिचार करने के बारे में, चोरी करने के बारे में, किसी को धोखा करने के बारे में, गाल निकालने के बारे में, शराब पीने के बारे में, नशा करने के बारे में बात करो, दुनिया को ताले करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बोल दीजिए किसी से, मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, उन्होंने बोला तुम बाहर है, तुम बाहर है 2 घंटे वेस्ट करने के लिए। यदि आप किसी से बोल दीजिए मैं 2 बोतल शराब पीता हूं, तो दूसरे ने बोलेगा अच्छा कौन सी ब्रांड पीते हैं, मैं भी लेकिन तो ये बोतल तो पीता हूं, 2 बोतल मुझसे नहीं होगा, लोग सारे तारीफ करेंगे। फिर आसो संसार के लिए योग्य नहीं है, फिर आसो परमेश्वर को प्रेम करें, हम परमेश्वर को प्रेम करने वाला होगा, संसार को प्रेम करने वाला नहीं है। हमारा कपड़ा हमें हल्ले संसार की लालच देते हैं, कपड़ा को छोड़ दे, मतलब नंगा कपड़ा नहीं बोला। हालेलुया, जो परमेश्वर के प्रेम से ये किसी भी चीज है हमें अलग करते हैं, उसको नो बोलने के लिए हम तैयार होना, स्वर्ग हमारे लिए बोलेगा नहीं। हम संसार में हम हालेलुया फैशनेबल होकर, हम हालेलुया वो होकर, ये होकर, हालेलुया संसार को हम साथ देते हैं, परमेश्वर बोलेगा तूने डिस्क्वालीफाई, तुमको इधर पहुंचने के लिए लायक नहीं है। हमारा पहनावा हमारे बारे में बोलेगा, हमारा पहनावा बोलते हैं हम कौन है। कल मैं किसी ऑफिस में गया था, मैं रसम से बात कर रहा था, मैं किसी ऑफिस में कल गया था, बड़ा ऑफिस तो ऑफिस में गया था, मेरे को एक काम करना था उधर, मैं 7 साल बुलाना है, मेरे को तभी ही मेरा काम होगा। मैं गया, एक मैडम तो बैठी थी, मैडम वो आपके नाम बोल, उस मैडम ने मेरे को ये पता नहीं है वो हेड है, वो मैडम ने बोले सर आप बैठिए प्लीज, सर टुकड़ा तो इंग्लिश भी मैं बोल दिया, मुझे जरा कोई होगा ठीक है। तो फिर उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट किया, बहुत रेस्पेक्ट किया हमारा पहनावा, मैं रसम से बोल रहा था अच्छा कपड़ा बोल कर गया, उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट किया। हालेलुया, हमारा पहनावा ये बोलता है परमेश्वर बच्चे हैं या नहीं है। कई लोगों का स्टेटस ये दिखाता है संसार में मैं डूब गया, मैं डूबा ऐसा डूबा बस।
संसार में हम हमारे अभिलाषों के साथ हम मर गए, मसीह में हम मर गए, आगे हम पाप में नहीं है, मसीह में जीवित है। हालेलुया। आप शांति होने के लिए चाहते हो? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो परम प्रभु को प्यार नहीं करते हैं वो श्रापित है, जो संसार को प्रेम करते हैं। कल मैं एक कॉलेज में भी गया, उधर कई मतलब एक गर्ल्स कॉलेज है, कॉलेज में भी गया। कॉलेज में जाने के वक्त में उधर मेरे बेटी ब्रसी के उतना उम्र का बेटियां है, तो उन्होंने बोला कौन सी आपको है, मेरा पता नहीं, कुछ मेरे को 2000 लाइक मिला, किसी ने बोल रही है मेरे को 500 ही लाइक मिला, किसी ने बोल रही है नहीं मेरे को 5000 मिला, मेरे को 2000 मिला, मेरे को 100 मिला। मैं उधर बैठ कर देख रहा था इन्होंने क्या सोच रहे हैं इनके फ्यूचर के बारे में, छोटे बच्चे बच्चे लोग हैं, उनका फ्यूचर के बारे में इन्होंने क्यों नहीं सोच रहे हैं, वो लेके गया ये लेके गया उसके बारे में, उसमें क्या फायदा होता है? प्रभु हमें लेकर अरे दिया हम एक पोस्ट डालने के बाद देखते हैं कितना लाइक मिला, हम प्रभु के हजूर में उठे देखो ये देखो परमेश्वर के पोस्ट में हमको लाइक मिला या नहीं, परमेश्वर हमें लाइक करना। अरे दिया वो है हमारे लिए उत्तम बात, इस दुनिया का कितने लोग हैं सारे हमें लाइक करे तो भी हम प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा तस्सलोनी उसका 8 और 9, दूसरा तस्सलोनी उसका पहला अध्याय 8 और 9। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और अपने प्रभु यीशु के समाचार को नहीं मानते उनका पलटा लेगा, वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश के दंड पाए। अते जेडे परमेश्वर नु नहीं जानदे अते साडे प्रभु यीशु दी अंजील नु नहीं मानदे उन्हां नु बदला देवेगा, उस सजा को जिनको जो नहीं मिला उनके लिए। दूसरा तसलोनी उसका पहला अध्याय जो पढ़ा हुई है, दूसरा तसलोनी उसका पहला अध्याय 8 और 9 पढ़ो। अते जेडे परमेश्वर नु नहीं जानदे अते साडे प्रभु यीशु दी अंजील नु नहीं मानदे उन्हां नु बदला देवेगा, उस सजा भोगणगे अर्थात प्रभु दे हजूरो अते ओदी समर्था दे तेज तो सदा ओ, वैसे ही हम उधर ये लिखा है तो सुनो मैंने जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। आगे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर दूर हो जाएंगे। सुसमाचार को जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो लोग आनंद मौत के और प्रेज़ द लॉर्ड, जो संसार को संसार के पीछे चल जाता है ना। हालेलुया। गिर रहा यीशु के पीछे मैं चल रहा हूं, यीशु के पीछे मैं चल रहा हूं, यीशु के पीछे मैं चल रहा हूं, ना हम जाने के बाद भी हम गलत करें तो हालेलुया
सारे मोटरसाइकिल चलाते हैं। मोटरसाइकिल चलाने के वक्त में मोटरसाइकिल हम चलाते चलाते जो स्पीड के हिसाब से उसका गियर चेंज करना है ऑटोमेटिक तो है, मैं जो मैनुअल के बारे में बोल रहा हूं, तो हम बोलते हैं नो मैं फर्स्ट गियर में ही जा रहा हूं। मोटरसाइकिल किसका? मेरा। तेल किसका? मेरा। मैं मर्जी में बदलूंगा, मैं फर्स्ट गियर में ही जाता हूं, बहुत स्पीड में जाता हूं, इधर जाता हूं उधर जाता हूं। ऑटोमेटिकली क्या क्या होता है, उसके इंजन में खराब होना संभावना है, साथ साथ तेल भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा, साथ साथ नुकसान को मैं सामना करना पड़ेगा। हर एक बातों के लिए एक नियम रखा गया है परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। परमेश्वर को दुखी करते करते कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ अभी तक। जब हालेलुया एक दिन ऐसा आएगा, वर्षा पे लेकर जाने का उन्होंने बोला, बोलेगा ये पूरा खराब हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। हालेलुया तक नहीं चलना। उधर एक बार उस टाइम में पढ़ लेता हूं, जो परमेश्वर की नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, दो लोग वाले लिखा है, जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते, प्रभु यीशु मसीह को मुक्ति के बारे में नहीं पहचानते, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारा पाप क्षमा को नहीं पहचानते, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम स्वर्ग में जाएंगे करके नहीं पहचानते, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मौत के बारे में ना पहचानते, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती में एक मनुष्य के रूप में आया वो ना पहचानते, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहचानते, उनके लिए क्या होगा न्याय के दिन में? हालेलुया परमेश्वर ने पलटा लेगा, मतलब उनको न्याय करेगा, अनंत आग में हालेलुया नरक में जाना पड़ेगा। संसार की अभिलाषाओं में नहीं है, परमेश्वर की ओर हम बढ़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहूदा की पत्री उसका 15 आय, यहूदा की पत्री उसका 15 आय, कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों के उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीनता होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय से जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी परमेश्वर के खिलाफ जो अभक्ति का काम और जो उन्होंने शैतानी नाल कीते सन अते सारियां करखत गल्लां दे कारण जो शैतान अभक्ति की बातें काम बात ये ना करे, हमारा काम कुछ भी करो ना, परमेश्वर उसके ऊपर मोहर लगाना ये काम परमेश्वर की ओर से है, ये कमाई परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की इच्छा से ही हम करते हैं। बात हम जो बात करते हैं सारे बातों के लिए न्याय होगा। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो ऐसे नहीं करे। हालेलुया वापस आएंगे कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थी उसका 16 का 22 उधर 16 का 22 21 और 22 उधर लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शराबी हो। आगे एक शब्द लिखा है हमारे प्रभु आने वाला है, हमारे प्रभु आप जयश जे कोई प्रभु नाल प्रीत नहीं रखता ता श्रापित होवे हे साडे प्रभु पाप। जदी कोई पुराने पुराने नेम में पुराने जमाने में
नया नेम के कलिसिया के शुरुआत के समय में सतावट एक के बाद चलते रहता है। जो लोग मसीह का नाम लेते हैं उनको तुरंत मार देते हैं, जानवरों के सामने फेंक देते हैं, हल्लों में कवर कर धूप में फेंक देते हैं। आज हमको पार्क है, पार्क में रंगी बिरंगी लाइट होते हैं, हमारा घंटाघर में भी रंगी बिरंगी लाइट है। और पुराने जमाने में नीरो महाराजा के पार्क में वाटिका में उधर राजा बैठने के वक्त में उनको लाइट देने के लिए उनका प्रकाश के लिए उनका जो क्या उसका नाम हो लाइट का जो ज्योति के लिए उन्होंने ऐसे करते थे। मसीह लोगों को पकड़कर मसीह लोगों के शरीर में मुंह से हाले लिपटा हुआ मुंह के साथ का कपड़ा इनका शरीर में लिपटाकर उसके ऊपर थोड़ा सा मुंह रखते थे। साथ साथ इस व्यक्ति को जो मसीह को मानने वाले व्यक्ति को खंभा में बांध लेते थे। खंभा में बांध करने के बाद इस व्यक्ति को पहले ही पूछ लेते हैं, क्या यीशु मसीह को इनकार करने के लिए तुम तैयार है? ये बोलेंगे नहीं। जो लोग यीशु मसीह को इनकार करने के लिए तैयार नहीं है उन लोगों को वो खंभा के साथ बांध कर उसके ऊपर भी मुंह रखेगा, मुंह रखकर उसके ऊपर आग जला देते हैं। आग जलाने के वक्त में मेरे पास सुनो आप लोग हालेलुया, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे शरीर में थोड़ा सा आग से हालेलुया हमको मतलब आग से हमको जल गया तो कितना दर्द आता है। उन्होंने उस दर्द को भी आनंद में लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम थोड़ा सा पैदल आने के लिए चर्च में पैदल आने के लिए बोलते हैं स्वर्ग कितना दूर है, स्वर्ग छोड़कर प्रभु हमारे पास आया। हालेलुया स्वर्ग छोड़कर हम पापी होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया स्वर्ग छोड़कर इधर आया। उस मुंह देखते हैं, मुंह देखने के बाद जला देते हैं, तड़पते हैं तड़पते हैं तड़पते हैं तड़पते हैं। आप शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने आप आग जलाते हैं यार कुछ एक्ट कुछ बातों में आग लगी हम उनका हालेलुया तड़पने का वो देखना ही बहुत दुख है। जिनके अंदर हालेलुया पत्थर की दिल नहीं है वो नहीं देख सकता ऐसे तड़पते तड़पते मरना। मेरे अफसोसों आप लोग एक बात समझना चाहिए, इस एक इंसान का बाल जलने के वक्त बहुत बदबू आता है। एक शरीर एक इंसान का शरीर जलने के वक्त में ये चर्बी जलने के वक्त में बहुत बदबू आता है। उस बदबू को भी उन्होंने जो विरोधी लोगों ने उस बदबू को भी सुगंध मानते थे क्योंकि मसीह लोग खाता नहीं होना। जो दर्द को मसीह लोगों ने आनंद में लेते थे क्योंकि हमारे रास्ता खुल गया, हम प्रभु के पास पहुंचने वाला है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। इस अवस्था में है ये सिचुएशन आप मन में रखना। इस अवस्था में है रसूल पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्र लिखने के वक्त में लिखा है उधर यीशु है आ हालेलुया उधर जब मूल भाषा में लिखा है मारा ना था। हालेलुया मेरा परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया मेरे परमेश्वर आ रहा है। एक दूसरे को अभी हम प्रेस्टर और बोलते हैं जेम्स की बोलते हैं यीशु को जय बोलते हैं ऐसे बहुत कुछ बातें हम हालेलुया कई लोग सलाम बोलते हैं। ये बोलने का मतलब ये है परमेश्वर का महिमा मिले। पुराने जमाने में एक दूसरे को हालेलुया गले लगाकर उन्होंने बोलते थे मारा ना था। एक दूसरे के दुख को समझकर बोलते हैं मारा ना था यीशु जल्दी आ हालेलुया मेरा प्रभु आने वाला है, मेरा प्रभु आने वाला है, मेरे दुखों को दूर हो जाएगा, मेरे कष्टों को दूर हो जाएगा, मेरे बीमारी दूर हो जाएगा, मैं जल्दी से जल्दी उठकर हालेलुया मेरे प्रभु के पास जाने वाला है। इसलिए इधर क्या कुछ हो कुछ नहीं बता है जो मसीह को नहीं प्यार करते हैं वो श्रावित है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस कमिंग सून।
हालेलुया जीसस कमिंग सून मारानाथा हालेलुया यीशु जल्दी आना है आने वाला है मेरे आशीष और उसके लिए हम बात जोत रहे हैं हालेलुया इस संसार हमें क्या भी करे क्या भी बोले हालेलुया एक ही जीवन है एक ही जीवन है जो परमेश्वर हमको दिया गया है एक ही जीवन हमको परमेश्वर ने दिया गया है पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर प्रेम करकर आगे चले हालेलुया हमारा समय कब है किसी को भी पता नहीं है बल्कि हमको ये निश्चित होना चाहिए आज मैं मर जाए तो मैं प्रभु के पास हूं प्रेस द लॉर्ड हालेलुया प्रभु के आगमन निकट है प्रभु का आगमन निकट है हालेलुया चारों तरफ हालेलुया प्रभु के वचन में जो कुछ लिखा है बाढ़ के बारे में हालेलुया जो आसमान में जो कुछ हो रहा है और लड़ाई हालेलुया माँ बाप के खिलाफ बाप बच्चों के खिलाफ सास ससुराल के खिलाफ बच्चों के खिलाफ ओह क्या कुछ लिखा है पैसे का पैसे हो रहा है मेरे आंखों ये एक निशान एक छेद हमको एक चेतावनी दे रहा है एक गीत ऐसे है यीशु जल्दी आएगा हाँ जल्दी आएगा क्या तू तैयार हो हालेलुया वो जल्दी आने वाला है क्या आप तैयार हैं हालेलुया ये कपड़ा आज पहना ये कपड़ा पहले पहना ये कपड़ा बाद में पहना ये स्टेज में मैं गीत गाना वो पैसा मैं लेना ये जमीन में लेना वो जॉब में लेना वो घर में लेना वो गाड़ी में लेना पहले से लेना अच्छी बात है प्रभु के प्रेम में आगे चले प्रभु की आशीष को हासिल करके आगे चले परमेश्वर आज आए तो हालेलुया मैं भी उसके साथ हालेलुया हालेलुया संसार के इच्छा में संसार के अभिलाषा में हम डूब जाए तो कैसे जाएंगे स्वर्ग में हालेलुया हालेलुया एक शराबी मैं कहानी आपको से बता रहा हूं एक शराबी अपने घर में जाने के लिए शराब पूरी पीकर पूरी टाइप है अपने घर में जाना था तो अपने घर में जाने के लिए रास्ते में एक नदी को पार कर उसको जाना था तो नदी को पार करने कर जाने के लिए उधर एक नाव भी होते हैं तो वो अपने आप उसको मतलब आगे करके जाना है तो शराबी ने देखा नाव तो उधर ही है उसने उसमें जो ऐसा करने के लिए जो है चाकू लेकर वो चप्पू लेकर वो ऐसा किया उसके बाद करते करते बहुत तो देर हो रहा है बहुत और पार नहीं पहुंच रहा है बहुत देर हो गया और ये थोड़ा सा देर नहीं हो रहा है करते करते थक गया सबेरे आने वाला है सबेरे के समय में ये देखकर मैं क्यों इधर अब तक पहुंचा नहीं है क्यों सबेरे देखा रस्सी खुला नहीं है रस्सी अभी भी उधर ही बांध कर ये मेहनत कर रहा था कई लोग ऐसे ये प्यारा सोच संसार की अभिलाषा छोड़ने के तैयार नहीं है संसार की अभिलाषा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है गलत जीवन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है गीत गाते हैं देश हमारा देश रहते हम परदेश कैसे हो जाएगा पाप छोड़ने के लिए संसार की अभिलाषा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है प्रभु के आप हमारे जीवन में एक मसीह व्यक्ति के जीवन में दो में से एक बात जरूर होने वाला है दो बात पक्का है उस दोनों में से एक होना बहुत जरूरी है एक मौत दूसरा यदि ना मरे तो प्रभु यीशु मसीह बादल में आएगा उठा लिया जाएगा माराना था मेरे प्रभु जल्दी आने वाला है एक दूसरे को तसली देते थे एक दूसरे से बोले थे उसने परमेश्वर को प्रेम नहीं किया वो श्राप है हम स्वर्ग में जाना है
वो परमेश्वर पे जाना, परमेश्वर पे वचन की आदत पर नहीं चल रहा है, वो श्राप दे है हम उसके जैसे ना हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि लिखा है यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्राप है। हमारा प्रभु आने वाला है, दुख के बीच में, संकट के बीच में, बीमार के बीच में, भक्ति लोगों ने अपने आप ये बोलते रहा मेरा यीशु होने वाला। मेरे आशीषों, आप पुराना जो नया नेम की कलीसिया की जो शुरुआत की इतिहास पढ़े तो आप आंसुओं के बिना वो इतिहास नहीं पढ़ सकते। हालेलुया, हालेलुया, वो आंसुओं के बिना नहीं कर सकते। इतना सत्तावत के बीच में से एक ही सेकंड एक ही विश्वास से गुजर रहे थे। ऐसे है तो हम आनंद की, हालेलुया, हम आनंद में हैं। परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं होना, परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं होना, संकट क्लेश कष्ट दुख सब कुछ मसीही रास्ता में है, मसीह मार्ग में है, क्रूस के बिना उद्धार नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मेरे पीछे आने के लिए चाहता है अपने आप त्यागना। अपने क्या है? सेल्फिशनेस। मैं बड़ा पास्टर हूं, मैं सबसे पहले मैं मानना, मेरे शरीर का बात नहीं बोला, मैं मेरा अहंकार मैं मानना। तो परमेश्वर ने बोला उसके बाद क्रूस उठाया था मेरे पीछे ना, तुम्हारे अंदर तुम हो तो फिर परमेश्वर का वचन पालना बहुत मुश्किल है। संसार अंदर हो जाएगा, संसार की अभिलाषा से पहले आशीषों हम दूर रहे, परमेश्वर की अनुग्रह से हम आगे बढ़े। महाराणा था यीशु जल्दी आने वाला है। सभी आंखों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र दाई के साथ तेरे आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए आप मात्र सहायता कर। प्रभु तुझे ना प्रेम करकर श्रापित होने के लिए नहीं है, आपको प्रेम करकर आपके लिए हम पिता जीवन देने तक ईमानदारी के साथ आगे चलने के लिए आप में मदद और सहायता कर देंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता तेरे सारे आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए। प्रभु तेरे हालेलुया, हर एक योजना के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। तुझ तेरे प्रेम से प्रभु जी मुझे कौन सी ऐसा चीज मुझे अलग करता है। हालेलुया, तेरे प्रेम से पिता परमेश्वर जी दुनिया की कोई भी ऐसा चीज मुझे अलग ना करे। हालेलुया, तान मान धन, हालेलुया, कोई भी चीज मुझे अलग ना करे पिता। हालेलुया, तेरे हजूरी में, हालेलुया, हमेशा तेरे चरणों में हम, मैं प्रभु जी तेरे प्रेम के साथ तेरे वचन के आधार पर चलने वाला होने के लिए मौत और सहायता कर। संसार की हालेलुया कपड़ा, हालेलुया, हालेलुया उन लोगों की, हालेलुया जी प्रभु सब कुछ छोड़ दे। जब आप मेरे बारे में बोले तो सबाश बेटी तो मेरे काम तुम मुझे प्रेम किया है, आ मेरे पास। इस दुनिया नष्ट हो जाएगा, ये धरती नष्ट हो जाएगी, दुनिया की सारी इच्छा नष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर की इच्छा खुद करेगा वही हमेशा में देता है। अपना जीवन को करके आप प्रभु को कितना प्यार करते, संसार को कितना प्यार करते हैं, संसार के पीछे जाने के लिए आप कितना आप टाइम लगाते हैं, दुनियादारी जो फैशन है ऐसे बोलने के लिए, ऐसे करने के लिए
ऐसा बैठने के लिए, ऐसा उठने के लिए कितना आप तैयार है? या प्रभु जैसे बोलते हैं वैसे चलने के लिए तैयार है? मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु आने वाला है, मेरा प्रभु आने वाला है, उसको प्रे करें, उसके वचन के आधार पर चले। हालेलुया, उसको प्रे करें, उसके वचन के आधार पर चले, उसको प्रसन्न करें, उसको दुखी होने वाली कोई भी बात, कोई भी काम, कोई छाछल हमारे क्षेत्र में ना हो। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन की गवाह, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो संसार में, जो इस दुनिया में, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर के वचन के चलेगा, आधार पर चलेगा, वो हमेशा